नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले या फिर वीडियो में क्या है ये बताने से पहले आप सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। काफी सारे लोग कह रहे थे कि भारत ने हम सभी को एक दिवाली गिफ्ट दे दिया है पाकिस्तान के ऊपर इस जीत से, लेकिन वो अलग बात है, दिवाली की खुशियां हैं। प्लीज फटाके जो है रेस्पॉन्सिबली जलाइएगा, प्लीज बच्चों का ध्यान रखेगा, अपने आप का भी ध्यान रखेगा और इस फेस्टिवल को फेस्टिवल की तरह ही सेलिब्रेट कीजिएगा। एंड ऑन दैट नोट फैंटेसिकली लेकर आया है इस क्रिकेटिंग फेस्टिवल का नेक्स्ट मैच। जी हाँ, वर्ल्ड कप से बड़ा कोई क्रिकेटिंग फेस्टिवल कैसे हो सकता है। आईपीएल क्लोज आता है लेकिन वर्ल्ड कप है, क्योंकि बहुत सारे टीम्स, नए नए खिलाड़ी तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन हाँ अलग अलग खिलाड़ी देखने मिलते हैं अलग अलग देशों से। और वहीं पर हम लेकर आए हैं दो अफ्रीकन देशों के बीच की ये भिड़न, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आते हैं। ये है सुपर 12 का मैच नंबर 6 जो खेला जाएगा सोमवार 24 अक्टूबर 2022 को भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से दोपहर के 1:30 बजे, उस टाइम होबार्ट में बज रहे होंगे शाम के 7 बजे। 1 बजे आपके लिए क्रूशियल टाइम है क्योंकि 1 बजे सिक्का उछला जा सकता है, टॉस हो सकता है और टॉस के बाद आपको जो है टीम्स और प्लेयर्स के बारे में पता चल जाएगी कि कौन कौन खेल रहे कौन कौन नहीं खेल रहे हैं। अब मैंने ये हो सकता है क्यों कहा, हो सकता है इसीलिए कहा क्योंकि पूरे दिन होबार्ट में, मंडे को होबार्ट में डबल हेडर है। पहले सुबह 9:30 बजे एक मैच है बांग्लादेश नेदरलैंड्स और उसी वेन्यू पे साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे है। अब दो चीजें हो सकती है, पूरा दिन बारिश है तो शायद ये मैच हो, ये शायद मैच ना हो, या फिर अगर जैसे ये फोरकास्ट अब हम देख रहे हैं काफी मैचेस से कि वेदर फोरकास्ट एकदम ही टोटली ऑपोजिट है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वॉश आउट होने वाला था, इंडिया पाकिस्तान वॉश आउट होने वाला था, बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। अगर वैसे हुआ अच्छी बात है, हमें क्रिकेट से मतलब है, क्रिकेट एंटरटेनमेंट होगा, तो हो सकता है बांग्लादेश नेदरलैंड्स मैच चल रहा हो और फिर 1 बजे इसका टॉस ना आए, बिकॉज सेम वेन्यू पे है तो जब तक वो मैच खत्म नहीं होता इस मैच का टॉस तो होगा नहीं। घुमा फिरा के पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि आप कब तक ऐसी स्टार स्पोर्ट्स हॉटस्टार देखते बैठेंगे कि हाँ देखने के लिए तो आप देखेंगे अगर आपको मैच में इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आपको इस मैच के लिए टीम बनानी है और आपको प्लेयर्स जानने हैं कौन खेल रहे कौन नहीं खेल रहे हैं, कैसे आप करेंगे? वेल, फैंटेसी गली के पास एक सोल्यूशन है। आप क्यों ना फैंटेसी गली का ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप डाउनलोड करने से आपको ऐसे देखते नहीं रहना पड़ेगा भाई कब ये मैच खत्म होगा, कब टॉस आएगा, कब मुझे टॉस देखने मिलेगा, कब मुझे प्लेयर्स के बारे में मालूम चलेगा। टॉस तो हो जाएगा, प्लेइंग 11 चेंजेस क्या है क्या, कभी कभी तो बताते भी नहीं है कि क्या चेंजेस है क्या नहीं चेंजेस है। तो फैंटेसी गली का ऐप अगर आप डाउनलोड कर लो, जैसे ही टॉस हो जाएगा और टीम्स अनाउंस हो जाएंगे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि फाइनल टीम्स अपडेटेड। इसके बाद जब आप टीम सेक्शन में जाओगे फैंटेसी गली में, आपको वही प्लेयर्स दिखेंगे जो मैच में खेल रहे हों, बाकी स्क्वाड मेंबर्स नहीं दिखेंगे। ये एक फायदा है फैंटेसी गली का ऐप डाउनलोड करने का, तो प्लीज 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 डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर में है, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी सहायता प्लीज कर लीजिए। वैसे इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा वो यहां पर लिखे थे, आप नीचे चाहिए तो वीडियो में सेगमेंट्स या चैप्टर्स देख सकते हैं, जो चैप्टर आपको अच्छा लगे आप वो देख सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, एक बार एटलीस्ट वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हो सकता है जो सेगमेंट या चैप्टर आपने स्किप किया हो वहां पर कोई इंपॉर्टेंट बात बता दी गई हो। दूसरी बात, अगर ये वीडियो जो है या फिर ये स्लाइड जो है आपको ब्लर्ड नजर आ रही है, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्लीज नीचे कॉमेंट सेक्शन में हमने पीडीएफ अटैच किया हुआ है ये स्लाइड्स का, जरूर वो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और इत्मीनान से अपने सिस्टम पर स्लाइड्स देख लीजिए, आप पीपीटी देख लीजिए। चलिए, टॉप फैंटेसी पिक्स, साउथ अफ्रीका की तरफ से तबरेज शमजी, राइली रूसो, जिम्बाब्वे की तरफ से सिकंदर रजा और शॉन विलियम्स। ये चार प्लेयर्स अगर आप रखेंगे अपनी टीम में आपके नुकसान के चांसेस कम हो जाएंगे, कोई भी टीम हो, ग्रैंड लीग हेड टू हेड या स्मॉल लीग में। पर बाकी 7 प्लेयर्स कौन होने चाहिए, कैप्टन वाइस कैप्टनसी पिक्स कौन होने चाहिए, जानने के लिए प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, सुस्वागतम, मैं हूं कार्तिक अय्यर, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का फैंटेसी गली की तरफ से इस नए वीडियो में। ये है विश्व कप का दूसरे राउंड यानी सुपर 12 का मैच नंबर 6 जो खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच में सोमवार 24 अक्टूबर 2022 को दोपहर के 1:30 बजे। प्लीज फैंटेसी गली.com पे आइए, चेकआउट कीजिए स्टैट्स, आर्टिकल्स, टीम्स,
कॉन्टेस्ट और स्केड्यूल पेज। स्केड्यूल पेज में आपको ये पता चलेगा कि फैंटेसी का लीग कौन से सीरीज कवर कर रहा है, तो वर्ल्ड कप के अलावा और कौन से सीरीज कवर कर रहा है, कौन से मैचेस कवर कर रहा है, वो वहां से आप देख सकते हैं। वीडियोस भले ही उन दूसरे सीरीज के लिए बने ना बने, आपको रिटन आर्टिकल्स डेफिनेटली मिल जाएंगे एंड टीम्स तो 100% मिल जाएंगे। तो प्लीज fantasygrid.com पे आइए और हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर। उससे मैं आपके एक आपने से एक कॉमेंट किया था, अगर श्रीलंका और आयरलैंड मैच में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आप एक वीडियो बनाइए जहां पे हम फैंटेसी गली को कैसे यूज करें ये बताइए। हमने आपके कमेंट को रिप्लाई किया है, श्रीलंका आयरलैंड में ही हमने आपके कमेंट में वो डाल दिया था कि कैसे आप अलग अलग, हमने एक वीडियो बनाया था मैंने और रौनक, मेरे कलीग रौनक ने, कि किस तरह से फैंटेसी गली यूज कर सकते हैं, आप प्लीज वो देख लीजिए। लेकिन फैंटेसी गली में ही अगर आप पेज को सब्सक्राइब कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वहां पर एक बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि जैसे ही नया वीडियो बने आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो आपको टॉप में सब एक एजुकेशनल वीडियोस कहते हैं ना उनको, जैसे कि लाइनअप बिल्डर होता है, टीम्स कैसे बनाने हैं, कैसे यूज करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो प्लीज डेफिनेटली आइए fantasygrid.com पर, यूट्यूब पे हमारे वीडियो जरूर चेक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। पिच एंड कंडीशन, बेलरी ओवल होबार्ट अगेन, ये अलग है और इनके स्टैट्स अलग बताते हैं। तो जैसे श्रीलंका आयरलैंड में हुआ है, एक बूंद भी बारिश नहीं गिरी, तो अगर बारिश नहीं गिरती है आइडियली बैटिंग फर्स्ट होना चाहिए, क्योंकि पिछले पांच नाइट मैचेस में तीन जो है बैटिंग फर्स्ट नहीं जीते हैं। लेकिन इधर भी फर्क पड़ता है, अगर जिम्बाब्वे बैटिंग फर्स्ट करती है तो इतना फर्क नहीं गिरेगा मैच आउटकम पे, बिकॉज साउथ अफ्रीका वे टू स्ट्रांग है एज कंपेयर टू जिम्बाब्वे। और अगर बारिश होती है तो डेफिनेटली आप टीम बैटिंग सेकंड को फेवर करोगे, लेकिन यहां पर भी अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट करती है इतना नुकसान नहीं होना चाहिए। 11 डिग्री सेल्सियस है वेदर और 81% है ह्यूमिडिटी और बैटिंग रिकॉर्ड यहां पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 163 है। पेसर्स ने 75% विकेट लिए हैं पिछले पांच मैचेस में और स्पिनर्स ने फर्स्ट इनिंग्स में ज्यादा विकेट लिए हैं। हेड टू हेड की अगर मैं बात करूं तो साउथ अफ्रीका तो 5-0 से आगे है, बट पिछले पांच नाइट मैचेस में से एक ही मैच जीती है, जबकि जिम्बाब्वे ने पिछले पांच मैच में से तीन नाइट मैचेस जीते हैं। प्लस साउथ अफ्रीका ने यहां पर इस वेन्यू पर एक भी टी20 नहीं खेला है, जिम्बाब्वे ने यहां पर तीन खेले हैं, दो जीते हैं वो भी नाइट मैचेस। बट ये सिर्फ एक स्टेटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, अगर गट फीलिंग के हिसाब से चलेंगे साउथ अफ्रीका मेरे ख्याल से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग अटैक्स लेकर आई है इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले अगर आप बोलिंग अटैक्स को एनालाइज करेंगे तो एक नाम आएगा ऑस्ट्रेलिया, एक नाम आएगा टू सम एक्सटेंट न्यूजीलैंड, एक नाम आएगा इंडिया ऑफ कोर्स, पाकिस्तान और फिर साउथ अफ्रीका। पर साउथ अफ्रीका उस टॉप रैंक में आती है क्योंकि, और जिस तरह से उन्होंने न्यूजीलैंड को वार्म अप मैच में हराया, डेफिनेटली उनकी पेस अटैक इन कंडीशन के लिए सूटेड है। अब क्या ये साल उनके लिए अच्छा रहेगा जहां पर वो वर्ल्ड कप जीत सकते, ये अलग बात है क्योंकि उनकी बैटिंग थोड़ी कोकली नजर आ रही है, बट डेफिनेटली जिम्बाब्वे के सामने साउथ अफ्रीका का स्ट्रेंथ बहुत बहुत ज्यादा है। हैविंग सेड दैट, टी20 मैच है, कुछ भी हो सकता है, नामीबिया ने भी श्रीलंका को हराया, स्कॉटलैंड ने भी वेस्ट इंडीज को हराया और आयरलैंड ने भी, तो आप टीम बनाते वक्त 6-5 रख सकते हैं साउथ अफ्रीका के फेवर में एंड देख सकते हैं कि अगर साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग कर रही है, सेकंड बैटिंग कर रही है, बारिश है बारिश नहीं है, उस हिसाब से स्पिनर और पेसर कॉम्बिनेशन आप रख सकते हैं। तो ये पॉसिबल 11 हो सकती है साउथ अफ्रीका की। टेम्बा बोमा कप्तान आ गए हैं वापस क्विंटन डिकॉक के साथ ओपनिंग, राइली रूसो, एडन माकरम, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, वेन पानन, केशव महाराज, कहिसो रबाडा, तब्रेज शम्जी और लुंगी एनगिली। यहां पर शॉकिंग ओमिशन अगर आप कहें तो शॉकिंग ओमिशन ये है कि हमने यहां पर ट्रिस्टन स्टब्स को रखा है रीजा हेंड्रिक्स की जगह पर, तो वो एक्सपीरियंस की जगह पर शायद रीजा हेंड्रिक्स को खिला सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ट्रिस्टन स्टब्स को एज अ फिनिशर यूज करती है साउथ अफ्रीका, तो ट्रिस्टन स्टब्स को एक मौका दिया जा सकता है एंड स्पेशली जिम्बाब्वे के सामने है, नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन साउथ अफ्रीका अपने मेन मैचेस सोचेगी इंडिया और पाकिस्तान, बाकी जो भी मैचेस है साउथ अफ्रीका सोचेगी कि हमें जीतने चाहिए टू बी वेरी फ्रैंक, तो वहां पर शायद ट्रिस्टन स्टब्स को मौका मिलना चाहिए। दूसरा ओमिशन है आंद्रिक नौकिया। अब आंद्रिक नौकिया के इनकंसिस्टेंसी की वजह से ही लुंगी एनगिडी और वेन पार्नर जैसे प्लेयर्स को मौके मिले हैं अंदर और इंजरी भी हुई थी उन्हें, तो क्या यहां पर लुंगी एनगिडी के जगह पे आंद्रिक नौकिया को खिलाएंगे? अगर बहुत बारिश हो रही है तो हो सकता है दो स्पिनर में से एक को ड्रॉप कर तब्रेज शम्जी को
और आंद्रिक नौकिया को खिला दे, ये पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अब तो ड्वेन प्रिटोरियस भी नहीं है, इंजर्ड है, रोल्ड आउट हो गए हैं, तो वो एक पेस बॉलर की कमी खलेगी। दूसरी बात, अगर बारिश नहीं हुई तो स्पिनर्स को यहां पर परचेस मिल रहा है, तो ऐसे केस में दो स्पिनर, और खास करके उन्होंने इंडिया के सामने भी अच्छी गेंदबाजी की थी केशव महाराज और तबरेज शमजी ने, तो ऐसे में ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन पकड़ के चले तो आपके पावर प्ले बोलर्स होंगे कहिसो रबाड़ा, वेन पानल और लुंगी एनगिडी, और डेथ ओवर बोलर्स होंगे कहिसो रबाड़ा, लुंगी एनगिडी और वेन पानल वंस अगेन, और शमजी कभी कभी डेथ में डालते हैं। अब जिम्बाब्वे के प्रोबेबल 11 की तरफ बात करते हैं, जो उन्होंने लास्ट मैच खेला था उसमें सिर्फ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए स्कॉटलैंड के साथ। रेगिस चकावा, क्रेग अवाइन ओपनर्स, वेस्ली मलेवाले, शॉन विलियम्स, सिकंदर राजा, मिल्टन शुम्बा, रायन बर्ल, ल्यूक जोंगवे, टेंडाई चडारा, रिचर्ड एंगरावा और ब्लेसिंग मुजरबानी, इन लोगों के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है कि अगर बारिश गिरती है तो फिर हम एक एक्स्ट्रा पेसर ले, बारिश नहीं गिरती है तो एक स्पिनर को ड्रॉप कर दे, सॉरी स्पिनर को ऐड कर दे। बेसिकली उतनी एक वेलिंगटन मासाकाडजा है, बट आई डोंट थिंक इस बॉलिंग अटैक को कुछ रिप्लेसमेंट की जरूरत है, क्योंकि ये एक अच्छी बॉलिंग अटैक है। टेंडाई चटारा, रिचर्ड एंगरावा और ब्लेसिंग मुजरबानी, ये तीनों टोन सेट करते हैं ओपनिंग ओवर्स में। और वहीं पे पावर प्ले बोलर्स अगर हम देखें तो वही तीन पावर प्ले बोलर्स है, टेंडाई चटारा, रिचर्ड एंगरावा और ब्लेसिंग मुजरबानी, और डेथ में भी वो तीनों के साथ, ये तीनों तो डेथ में डालेंगे ही, उनके साथ सिकंदर राजा और कभी कभी रायन बर्ल भी डेथ ओवर्स में डालते हैं। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकती है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की। अब हमारी तरफ से एक सजेशन टीम फैंटेसी के लिए, स्मॉल लीग और हेड टू हेड, एक कीपर, तीन बैटर्स, तीन ऑलराउंडर और चार बॉलर्स। तो ये एक सजेशन है हमारी तरफ से, और ये आपके लिए गंगाजल नहीं है, कुरान नहीं है, गीता नहीं है कि आप ये देख लो और इसी को छाप दो। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हमेशा ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फैंटेसी गली पे आइए, आप टीम सेक्शन में विजिट कीजिए, आपको 70 से 80 टीम्स मिलेंगी टॉस के बाद। अगर आप टॉस के बाद आओगे, एक पिटारा खुल जाएगा टीम सेक्शन में। अलग अलग फैंटेसी एप्स के लिए 10-10 टीम कॉम्बिनेशंस, ड्रीम 11 के लिए 10 टीम ऑप्शंस, माय टीम 11 के लिए 10 टीम ऑप्शंस, हाला प्ले के लिए 10 टीम ऑप्शंस, ऐसे अलग अलग ऐप के हिसाब से हमारे प्रोग्रामिंग कोड में टीम्स बना के आपको मिल जाएंगे रेडीमेड 10 के 10। सवाल ये, और 10-10 क्या है, हेड टू हेड के लिए 4 टीम, ग्रैंड लीग के लिए 2-3 टीम, फिर उसके बाद स्मॉल लीग के लिए 2-3 टीम वगैरह वगैरह, बैटिंग फोकस, बॉलिंग फोकस, ऐसे कर करके 10 है और सारे 11 प्लेयर आपको मिल जाएंगे। सवाल ये है कि अगर सभी एक ही टीम बनाएंगे तो फिर जीतेगा कौन? तो इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप टीम चाहे कोई भी ले लें। अगर मान लीजिए आप ये टीम ले रहे हैं और तो इसमें से 6-7 या 8 प्लेयर आप ले सकते हैं हमारे एंड से, और अपने एंड से प्लीज 3 या 4 प्लेयर जरूर रखें, क्योंकि आपकी गट फीलिंग ज्यादा मैटर करती है। आपको पता है कि क्योंकि आपके पास है नॉलेज, क्रिकेटिंग नॉलेज, हम आपकी इज्जत करते हैं, तो इसीलिए हमारा और आपका कॉम्बिनेशन ही आपको जिताने में मदद कर सकता है। तो वो जरूर कीजिएगा, हमारा फैंटेसी गली का हैशटैग #, अपनी अकल ऑन करे, डायरेक्ट टीम ना छापे, अपना तड़का जरूर, जैसे दाल जो है आप फीका भी खा सकते हैं या फिर वो तड़का लगा के भी खा सकते हैं। तड़का हर एक शेफ का या हर एक खाना बनाने वाले का अलग अलग होता है। वो तड़का आप डेफिनेटली, हम दाल आपको जरूर परोसेंगे लेकिन दाल में तड़का आप जरूर डालें, वो 3-4 प्लेयर आपके चॉइस। चलिए विकेट कीपर में क्विंटन डिकॉक, अगर उनकी कंसिस्टेंसी की बात करें, पिछले 5 नॉक्स ऑन एन एवरेज 56 फैंटेसी पॉइंट्स, पिछले 5 पारियों में 3 अर्धशतक है, तो इनफॉर्म प्लेयर है क्विंटन डिकॉक। फिर उसके बाद 3 बैटर्स, रायली रूसो, डेविड मिलर और रायन बर्ल। रायली रूसो जब से कोलकाता डी के बाद आए हैं जबरदस्त फॉर्म में, हाल ही में इंडिया के सामने उन्होंने शतक बनाया था, पिछले 5 पारियों में 3 30+ नॉक्स है, ऑन एन एवरेज आपको 56 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं। सेकंड इस वेन्यू पे जब वो लास्ट खेले थे तो उन्होंने एक शानदार 59 स्कोर किया था और फर्स्ट इनिंग्स में बेहतर बैटिंग करते हैं। उसके बाद डेविड मिलर, इनके भी कंसिस्टेंसी आ गई है, ऑन एन एवरेज आपको 49 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं। जिम्बाब्वे के सामने पिछले 4 पारियों में 2 बार इन्होंने 35 का आंकड़ा पार किया है। एंड देन रायन बर्ल, जो टेक्निकली ऑलराउंडर है बट फिलहाल एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं, ऑन एन एवरेज 38 फैंटेसी पॉइंट्स, लेफ्ट हैंड बैटर है और लेग ब्रेक्स भी डाल सकते हैं। उसके बाद ऑलराउंडर्स में सिकंदर राजा, शॉन विलियम्स एंड एडन मार्कर, तीनों सेल्फ पिक्स हैं, आप किसी को भी ड्रॉप नहीं करना चाहेंगे। अगर आपने सिकंदर रजा की कंसिस्टेंसी फॉलो की है प्री वर्ल्ड कप, मैंने प्रीवियस यानी क्या होता है क्वालिफायर्स में, सिकंदर रजा की कंसिस्टेंसी देखिए, ऑन एन एवरेज आपको 102 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं और पिछले 5 पारियों में 3 जो है 40+ नॉक्स है, एंड ऑफ ब्रेक्स भी
हैंडी ये डाल सकते हैं। दूसरे हैं शॉन विलियम्स, लेफ्ट आर्म स्पिनर, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स एंड लेफ्ट हैंड बैटर, मिडल ऑर्डर में आते हैं। ऑन एन एवरेज आपको 56 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं। एंड साउथ अफ्रीका की तरफ से एक और कंसिस्टेंट प्लेयर, वो है एडन माकर, ऑन एन एवरेज आपको 47 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं। पिछले पांच पारियों में विद द बैट 330 प्लस नॉक्स है और कई बार ये ओपनिंग भी करते हैं बॉलिंग में और कभी कभी एक दो विकेट भी ले लेते हैं, तो वो भी आपको ड्यूअल फैंटेसी पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो ये हो गए हमारे विकेट कीपर, बैटर और ऑलराउंडर। बोलर्स में तबरेज शमजी, केशव महाराज, टेंडाई चटारा और रिचर्ड इंगरावा। अगेन ये हमने बारिश नहीं होने के हिसाब से रखी है, क्योंकि हमारे इस प्लेइंग 11 में स्पिनर्स देखे, केशव महाराज है, तबरेज शमजी है, सिकंदर राजा है, शॉन विलियम्स है, एडन माकरम है एंड ब्रायन बर्ल भी है। फास्ट बॉलर सिर्फ दो है, जैसे कि मैंने कहा ये जरूरी नहीं है आप यही फॉलो करें, हो सकता है कि आप यहां पर एक स्पिनर हटाकर एक फास्ट बॉलर भी ले लें, या फिर इधर एक ऑलराउंडर, यहां से एक ऑलराउंडर हटा के मैं शॉन विलियम्स को हटा के यहां पर एक फास्ट बॉलर लें। टोटली योर कॉल, पिच कैसी है उस पर डिपेंडेंसी। तो हमने कंसिस्टेंसी के हिसाब से इन्हें रखा है, ये हमारा लॉजिक है। तबरेज शमजी की बात करें, काफी कंसिस्टेंट है तबरेज शमजी, कई बार पिच की वजह से आपको विकेट्स नहीं मिलती, आपके गाइड, आपके स्किल की वजह से आपको गाइड विकेट्स मिलती है और वही करते हैं तबरेज शमजी। इन दी एयर बैट्समैन को बीट करते हैं, ऑन एन एवरेज आपको 63 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं। पिछले चार पारियों में दो टू विकेट हॉल्स है उनके। स्पिन ट्विन केशव महाराज, ये स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, ये ऑन एन एवरेज आपको दे रहे हैं 46 फैंटेसी पॉइंट्स और पिछले पांच पारियों में तीन टू विकेट हॉल्स है। अब आते हैं फास्ट बॉलर्स की तरफ, एक है टेंडाई चटारा जिम्बाब्वे की तरफ से, काफी कंसिस्टेंट रहे हैं, ऑन एन एवरेज आपको 43 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं और पिछले पांच पारियों में तीन बार उन्होंने दो या दो से ज्यादा विकेट्स लिए हैं और ये जो दो विकेट है तो ये पिछले तीन पारी इसी वेन्यू पे आए हैं, तो वेन्यू का एक्सपीरियंस रहेगा टेंडाई चटारा को। और फिर रिचर्ड इंगरावा, ये भी एक कंसिस्टेंट बॉलर है लेफ्ट आर्म एंगल के साथ, ऑन एन एवरेज आपको 41 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं, पिछले तीन पारियों में दो टू विकेट हॉल्स जो इसी वेन्यू पे आए हैं। तो ये हमारे एक सजेस्टेड फैंटेसी 11 है स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए। कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस, रायली रूसो, सिकंदर रजा, तबरेज शमजी और टेंडाई चटारा। अगर आप एक बॉलर को कैप्टन बना रहे हैं तो आपके लॉजिक के हिसाब से बनाइए। अगर आपको लगता है टीम बैटिंग सेकंड जीतने वाली है तो टीम बैटिंग फर्स्ट में से जो है जो टीम पहले बॉलिंग कर रही है उनमें से आप बॉलर्स को कैप्टन रखें। अगर आपको लग रहा है टीम बैटिंग फर्स्ट जीतने वाली है तो फिर आप किसी बैटर या ऑलराउंडर को कैप्टन रख सकते हैं। अब ऑप्शंस, अगर वो जो स्मॉल लीग में हमने प्लेयर्स मेंशन किए वो नहीं खेल रहे हैं, ये पॉसिबल ऑप्शंस है विकेट कीपर में, हाइंड्रिक क्लासन, ऑन एन एवरेज आपको 42 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं। फिर रीजा हेंड्रिक्स, अगर इन्हें ट्रिस्टन स्टर्न्स की जगह पे खिलाया गया, ऑन एन एवरेज आपको 78 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं और पिछले पांच पारियों में पांच 40 प्लस नॉक्स हैं। ऑलराउंडर में वेन पानेल, ये खेलेंगे ऑफकोर्स, मैच में खेलने ही चाहिए, ऑन एन एवरेज अगर ये दे रहे हैं, ऑन एन एवरेज आपको 42 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं, पिछले पांच पारियों में तीन टू विकेट हॉल्स है और जिम्बाब्वे के सामने पिछले पांच पारियों में तीन टू विकेट हॉल्स हैं। एंड देन बॉलर में जिम्बाब्वे की तरफ से विक्टर नाउची, ऑन एन एवरेज आपको 77 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं, पिछले पांच पारियों में चार तीन विकेट हॉल्स है, तो जिम्बाब्वे इनको ट्राई कर सकती है। ये होगा हमारे स्मॉल लीग ऑप्शंस। अब हेड टू हेड ऑप्शंस ग्रैंड लीग के लिए, ये एक सजेस्टेड फैंटेसी टीम, एक कीपर, तीन बैटर, तीन ऑलराउंडर और चार बॉलर। तो कीपर में आपके रेगिस चकाबा है, ऑन एन एवरेज आपको 26 फैंटेसी पॉइंट्स देते हैं, अगर इन गेट्स ऑफ अ गुड स्टार्ट तो आपको अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स मिल सकते हैं। फिर बैटर्स में रायली रूसो, रायन बर्ल और क्रेग अर्वाइन। क्रेग अर्वाइन ने पिछले मैच में, लास्ट मैच में उन्होंने 58 स्कोर किए थे, ऑन एन एवरेज आपको 35 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं। ऑलराउंडर से सिकंदर रजा, शॉन विलियम्स और वेस्ली मदेवरे ये आ गए हैं, एक क्रिटिकल प्लेयर बन सकते हैं, ऑन एन एवरेज आपको 43 फैंटेसी पॉइंट्स देते हैं, टॉप ऑर्डर में आते हैं और हैंडी ऑफ ब्रेक्स डालते हैं, तो वो अगर ये चले तो आपको अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं, इसलिए ग्रैंड लीग में रखा है। एंड देन बॉलर्स में चार बॉलर्स, तबरेज शमजी, लुंगी एंगिडी, लुक जोंगवे और कहिसो रबाडा। यहां पर हमने तीन फास्ट बॉलर और एक स्पिनर को रखा है। लुंगी एंगिडी ऑन एन एवरेज आपको 52 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं, जोंगवे ऑन एन एवरेज 37 और कहिसो रबाडा ऑन एन एवरेज आपको 27 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं। अगर साउथ अफ्रीका ने आंद्रिक नोकिया को खिलाया, आप आंद्रिक नोकिया को भी यहां पर कंसिडर कर सकते हैं। और यहां पर कैप्टन वाइस कैप्टन जो ऑप्शन, शॉन विलियम्स, वेस्ली मडेवरे, लुंगी एंगिडी और कहिसो रबाडा। अब ग्रैंड लीग के लिए ऑप्शनल प्लेयर्स, विकेट कीपर में हाइंड्रिक क्लासन,
फिर बैटर में टोनी मुनियोंगा जिम्बाब्वे की तरफ से ऑन एन एवरेज आपको 28 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं। ऑलराउंडर में एंडिले फेफलुक्वायो, वैसे तो प्रिटोरियस नहीं है तो शायद इन्हें एक मौका दिया जा सकता है, ऑन एन एवरेज आपको 45 फैंटेसी पॉइंट्स ये देते हैं। मिडल ओवर्स में आते हैं, गेंदबाजी करते हैं, डेथ में करते हैं, एंड देन हैंडी लोअर मिडल ऑर्डर बैटर भी हैं। एंड देन बोलर में जिम्बाब्वे की तरफ से ब्रैड एवेंस ऑन एन एवरेज आपको 53 फैंटेसी पॉइंट्स देते हैं। तो दोस्तों ये हमारी तरफ से स्मॉल लीग हेड टू हेड और ग्रैंड लीग के लिए सजेस्टेड फैंटेसी टीम्स। प्लीज फैंटेसी का रिलेटेड कॉपी आई और दूसरे टीम्स चेकआउट कीजिए। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी प्लीज लो टू मीडियम ही रखें, हेड टू हेड और स्मॉल लीग के लिए ज्यादा टीम्स बनाएं, ग्रैंड लीग के लिए एक या दो ही रखें क्योंकि वहां पर रिस्क फैक्टर ज्यादा इन्वॉल्व है। प्ले द कॉन्टेस्ट दैट सूट यू द मोस्ट, जी हाँ सिर्फ टीम बनाना काफी नहीं है, सही कॉन्टेस्ट भी चुनना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो फैंटेसी गली पे आइए, वहां पर कॉन्टेस्ट सेक्शन में फैंटा को स्क्रोल कीजिए लेफ्ट टू राइट, टॉगल करते करते आपको लेफ्ट साइड में कॉन्टेस्ट नजर आएंगे और राइट साइड में उन कॉन्टेस्ट के हिसाब से अप्रोक्सीमेट कमाई दर्शाई जाएगी। और जब आप ये लॉक करेंगे और फिर फैंटा पे माउस ओवर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस सिलेक्शन के हिसाब से आप कितने प्रतिशत यूजर्स को हरा सकते हैं। इसके बाद अगर आप कॉन्टेस्ट खेलने उतरे आपको फायदा जरूर होगा। एंड ऑन दैट नोट हम इस वीडियो के अंत तक आ गए हैं, धन्यवाद देता हूं दिल से आप सभी का जिन्होंने इस वीडियो को अंत तक देखा, अपना कीमती समय निकाला। उम्मीद करता हूं कि आपका समय नष्ट न हुआ हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर एक बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। अगर नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, लेकिन हमें बताइए चैट और कॉमेंट सेक्शन में कि हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं और खुद बेहतर कैसे बन सकते हैं। प्लीज fantasycricket.com पे आइए, चेकआउट कीजिए आर्टिकल, स्टैट्स, टीम्स वगैरह और हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर जुड़े। और जाते जाते एक बार फिर से रिमाइंडर, प्लीज फैंटेसी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर है, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जरूर मिल जाएगी, उस पर क्लिक कीजिए और अपनी सहायता कर लीजिए। ऑन दैट नोट मैं कार्तिक अय्यर अपने पूरे फैंटेसी टीम की तरफ से आपसे विदा लेता हूं। ऑल द बेस्ट जब आप इस मैच के लिए अपनी टीम बनाए। धन्यवाद, नमस्कार।